हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। देखिए आज मैं लड़कियों के लिए ओढ़ने के लिए शॉल बनाने जा रही हूँ। तो ये मैं आपको बना के बताऊँगी किस तरह से बनानी है। तो एक बार आप मेरी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। उस तरह से देखिए मैं यहाँ पर नॉट लगाऊँगी। और यहाँ पर सबसे पहले हमें लेनी है 8 चैन। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 चैन लेके मैं यहाँ पे ये जॉइंट करनी है। इस तरह से हमें यहाँ पे ये स्लिप स्टिच से जॉइंट करनी है इस तरह से। फिर हमें यहाँ पे चैन बनानी है 3 की। 1 2 3 3 चैन लेके एक यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक ये 3 की चैन, इसे भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे। तो ये 2 हो गए। अब हमें यहाँ पे 2 चैन लेनी है, 1 2। अब हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। फिर 2 चैन लेनी है, 1 2। फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है 2 बार, 1 और 1 2 इस तरह से। फिर 2 चैन लेनी है, 1 2। फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और ये 2। फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 2 चैन लेनी है, 1 2। फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 इस तरह से। 2 चैन लेनी है, फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और ये 2 तरह से। अब मुझे यहाँ पर इतना ही बनाना है। ये यहाँ से 3 चैन लेके पलट जाएंगे, 2 3 यहाँ पर। इस जगह पर हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 चैन, 1 2 2 बार डबल क्रोशिया बना के 2 चैन लेंगे, 1 2। फिर इसी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें पहले हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है उसी में हमें ये 2 बार डबल क्रोशिया और बनानी है इस तरह से। 4 बार डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पे हमें 2 चैन लेनी है इस जगह, यहाँ पे जो पहले हमने ये 2 चैन ली हैं, यहाँ पे हमें ये 1 बार डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे 3 चैन लेनी है, 1 2 3। फिर यहीं पर हमें 1 बार डबल क्रोशिया और बनानी है इस तरह से। अब हमें 2 चैन लेनी है, 1 2। फिर यहाँ पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। फिर 2 चैन लेंगे, 1 2। और इसी में 2 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर 2 चैन लेंगे, 1 2। जैसे ये बनाया अभी मैंने, इसमें 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से अब हमें यहाँ पर इस जगह बनानी है, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे, 3 चैन लेंगे, सॉरी 2 3। फिर इसी जगह 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे, 1 2। 2 चैन लेके इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर 2 चैन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, 2 2 चैन लेंगे, अब 1 2। अब इसी में 2 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से, 1 और ये 2। ठीक है, इस तरह से। अब हमें यहाँ पर 1 2 3 चैन लेके पलट जाएंगे। इसमें यहाँ पे हमें 4 बार, ये जैसे पहले बनाई है हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चैन, उसी तरह से बनाऊंगी मैं। इसमें 2 हो गए, 2 चैन लेंगे, 1 2। इसी में 2 बार डबल क्रोशिया और बनानी है, 1 और 1 2। फिर 2 चैन लेनी है, 1 2। ठीक है, अब मुझे इसमें यहाँ पर बनानी है 9 बार डबल क्रोशिया बनाई है मैंने, देखिए इस तरह से। अब 2 बार चैन लेंगे, 1 2। 2 चैन लेके इसमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया 2 चैन, और फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी में बनानी है, 1 2।
और दो चल लेंगे, एक दो, दो बार डबल क्रोशिया, फिर इसी में बनाएंगे, एक दो, इस तरह से। अब यहाँ पर मुझे दो चैन लेनी है, एक दो, इसमें जिस तरह से मैंने ये नौ बार डबल क्रोशिया बनाई है इसी तरह से नौ बार डबल क्रोशिया इसमें बनानी है, नौ बार डबल क्रोशिया जैसे मैंने इसमें ये बनाई है उसी तरह से इसमें बना रही हूँ। एकदम नई अलग डिज़ाइन है, दो चैन लेंगे, एक दो। अब मुझे इसमें यहाँ पर जैसे मैंने ये पहले बनाया है दो बार डबल क्रोशिया, दो चैन और दो डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, ये एक दो, और दो चैन लेंगे, एक दो, दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो, इस तरह से तीन चैन लेके पलट जाएंगे, यहाँ पर ये हमें इस जगह पर हमें ये इसी तरह से बनाते जाना है, दो चैन, दो डबल क्रोशिया लेनी है, फिर दो चैन लेनी है, फिर दो डबल क्रोशिया बनानी है, इस तरह से, इस तरह से, फिर दो चैन लेनी है इस तरह से। और अब हमें ये देखिए ये नौ बार बनाई है जो डबल क्रोशिया, इन्हें हम इस तरह से फ्रंट साइड से, इस तरह से फ्रंट साइड से यूँ बनाएंगे इसे, और तीन तीन बार बनाने के बाद यहाँ पर हमें दो चैन लेनी है, एक दो, फिर तीन डबल, तीन बार बनाएंगे इसे फ्रंट साइड से, तीन डबल क्रोशिया, एक दो, ये तीन, फिर दो चैन लेनी है, एक दो, इस तरह से। यहाँ पर फिर ये तीन बची हुई हैं जो डबल क्रोशिया, इन्हें भी फ्रंट साइड से ही बनाएंगे, एक दो, ये तीन, इस तरह से तीन तीन के ये बन जाएंगे। अब दो चैन लेके, एक दो, फिर हमें यहाँ पर ये दो डबल क्रोशिया और दो चैन और दो डबल क्रोशिया बनानी है, एक दो, दो चैन लेंगे, फिर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, इसी तरह जैसे ये मैंने बनाया है इसे भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है, मैं यहाँ पर तीन की चैन लूँगी, एक दो तीन, और पलट जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर हमें इसी तरह से बनाना है, दो डबल क्रोशिया, एक दो, दो चैन और दो डबल क्रोशिया, दो चैन लेंगे, एक दो, इस तरह से। अब हमें जो हमने ये फ्रंट साइड से ली थी, अब हमें ये इस तरह से बैक साइड से बनानी है, तीन बार डबल क्रोशिया, एक दो, और ये तीन, दो चैन लेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच में, फिर दो चैन लेंगे, इन्हें बनाएंगे, ये तीन डबल क्रोशिया, ये बैक साइड से, दो, ये तीन, इस तरह से दो चैन लेंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन लेंगे, फिर इन्हें भी हम इसी तरह से बैक साइड से इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, एक दो, ये तीन, फिर दो चैन लेंगे, एक दो, इस तरह से दो डबल क्रोशिया, दो चैन और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, एक दो, दो चैन लेंगे, एक दो, एक दो डबल क्रोशिया लेंगे, दो, अब दो चैन बनाएंगे, एक दो। अब जिस तरह से हमने ये बनाया है यहाँ पे इसी तरह से मैं इसे भी कंप्लीट करूँगी, इस तरह से। ये देखिए वो राउंड पूरा हो गया मेरा इस तरह से। मैंने यहाँ पे दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो डबल क्रोशिया बनाई हैं। अब मैंने दो चैन लूँगी, एक दो, दो चैन लेके यहाँ पे इसे इस तरह से फ्रंट साइड से
एक बार निकालूंगी, ये पूरा नहीं निकालूंगी, ये धागा मुझे रखना है। फिर दूसरी डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से, इसे भी मुझे एक बार ही निकालना है। ये मुझे तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद तीनों में से एक एक बार ही निकालना है। ये फिर ये चार हो गए हमारे पास, चारों को हमें एक साथ इस तरह से निकालना है, ठीक है। ये बनाने के बाद फिर एक और दो चैन लेंगे, दो चैन लेके यहाँ पर इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर दो चैन लेनी है, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनानी है एक इस जगह। देखिए यहाँ पर बनाई है मैंने, एक यहाँ बनाई है और एक यहाँ बनाई है। अब दो चैन लेनी है, एक दो, दो चैन लेके ये जो मैंने तीन बार डबल क्रोशिया बनाई है इन्हें मुझे इसी तरह से ही बनाना है। डबल क्रोशिया एक दो और ये तीन, इस तरह से बना के फिर मुझे दो चैन लेनी है, एक दो, दो चैन लेके यहाँ पर इस जगह में खाली जगह में मुझे एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चैन लेनी है, फिर यहाँ पर मुझे एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर दो चैन लेनी है, फिर इस जगह मुझे ये जो तीन डबल क्रोशिया है जैसे मैंने ये बनाया है इधर वाला, ये वाला, उसी तरह से इसे भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। डबल क्रोशिया में पूरा नहीं बना लेना है मुझे, डबल क्रोशिया पूरी नहीं बनानी है, एक बार ही निकालना है, एक मुझे ये रखना है। दूसरे में भी इसी तरह से एक बार ही निकालूंगी, तीसरा भी इसी तरह से मुझे ये एक बार ही निकालना है। फिर ये चारों को एक साथ निकाल के इस तरह से लॉक कर देंगे, फिर दो चैन लेंगे, एक दो, दो चैन लेके यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया लेंगे, एक दो, दो चैन लेंगे, एक दो, फिर दो बार डबल क्रोशिया इसी जगह बनाऊंगे, एक और ये दो। अब जैसे मैंने ये बनाया है यहाँ पर, इसी तरह से मैं इसे भी यहाँ पर बनाऊंगी। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, जिस तरह से मैंने ये बनाया था आपको बना के दिखाया था उसी तरह से मैंने ये भी बनाया है। अब मैंने यहाँ पर तीन चैन लेके पलट जाएंगे, यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, दो चैन, दो, दो चैन और दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो, दो चैन लेंगे, एक दो, दो चैन लेके यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन लेंगे, एक दो, फिर यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, फिर दो चैन लेंगे, एक दो, यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, दो चैन लेंगे, एक दो, फिर यहाँ पर तीन चैन लेनी है, तीन चैन लेके फिर यहीं पर एक बार डबल क्रोशिया और बनानी है इस तरह से, फिर दो चैन लेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया इस तरह से, दो चैन लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, दो चैन लेंगे, यहाँ पर मुझे ये इसको फ्रंट बैक साइड से एक बार ही निकालना है। डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन एक बार ही निकालेंगे उसे, पूरा नहीं बनाएंगे। फिर इसको इस तरह से बनाएंगे, एक बार ही इसको भी एक बार ही निकालना है। ये तीसरी बार डबल क्रोशिया जो बनाएंगे इसको भी हमें एक बार में ही एक बार ही निकाल के इस तरह से एक बार निकाल के फिर इन्हें हमें एक साथ निकालना है, ठीक है। एक दो चैन लेंगे, फिर यहाँ पे जॉइंट करेंगे इस तरह से, एक डबल क्रोशिया बनाइए, दो चैन लेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे तीन चैन लेंगे, एक दो, तीन चैन लेके
एक बार डबल क्रोशिया और इसी में बनानी है इस तरह से। एक ये पत्ती बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, तीन पत्ती बन गई हमारी इस तरह से बनी। अब दो चैन लेंगे, एक दो चैन लेके और यहाँ पर मुझे दो डबल क्रोशिया और दो चैन, दो डबल क्रोशिया बनानी है। दो दो चैन लेंगे, एक और ये दो बार डबल क्रोशिया, दो चैन लेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेके यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब जैसे मैंने ये इधर बनाया है ये, इसी तरह से मैं इसे भी बनाऊंगी। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, मैंने यहाँ पे ये तीन चैन लिए हैं, तीन चैन लेके यहाँ पे पलट दो डबल क्रोशिया लेनी है, यहाँ पे दो चैन लेके दो डबल क्रोशिया, इस तरह से तीन चैन लेके पलट जाएंगे, फिर हमें यहाँ पे दो डबल क्रोशिया दो चैन, एक दो और दो चैन लेंगे, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, दो चैन लेंगे, एक दो, दो चैन लेके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन लेके यहाँ पर इस जगह ये जो हमने वी बनाई है, एक डबल क्रोशिया तीन चैन और एक डबल क्रोशिया बनाई है, इसको हम इस तरह से वी बन जाती है, तो इसमें हमें नौ बार डबल क्रोशिया बनानी है, एक ये नौ, फिर दो चैन लेंगे, एक दो चैन लेके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिस तरह से हमने ये यहाँ पर शुरुआत करी थी ये इस तरह से, इसी तरह से अब हमें ये बनाना है आगे, यहाँ पे बनानी है ये एक, यहाँ पे बनाना है इसी तरह से, ये जो हमने यहाँ पर वी बनाई थी, ये जो वी बनाई है यहाँ पर, इस पे बनाना है हमें इसमें, और एक ये जो वी बनाई है इसमें नौ नौ बार डबल क्रोशिया लेनी है, नौ डबल क्रोशिया लेनी है, इसमें लेनी है, इसमें लेनी है, और ये एक इसमें हमें नौ बार डबल क्रोशिया लेनी है। तो इस तरह से हमारे पास ये, पहले हमने ये दो बनाए थे, अब चार हो जाएंगे, एक दो तीन और एक ये चार, चार बार हो जाएंगे। तो अभी मैं ये राउंड कंप्लीट करूँगी, इसी तरह से दो दो डबल क्रोशिया लूँगी, ठीक है, यहाँ पर करूँगी इसे, फिर दो चैन लूँगी, यहाँ पर बनाऊँगी एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन लूँगी, फिर यहाँ पे इसी तरह से बनाते हुए हमें यहाँ तक आना है, दो चैन एक डबल क्रोशिया, दो चैन एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब दो चैन लेके और इसमें हमें नौ बार डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पे, एक ये नौ, इस तरह से दो चैन लेके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर दो चैन लेंगे इस तरह से, यहाँ पर ये जो बनाइए दो डबल क्रोशिया दो चैन और फिर दो डबल क्रोशिया, इसी तरह से अब बनाएंगे, जैसे हमने ये बनाया है इधर उसी तरह से मैं यहाँ पर भी बनाऊँगी, इधर यहाँ पर बनाऊँगी इसी तरह से, जिस तरह से मैंने ये बना के बताया आपको उसी तरह से इसे भी बनाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये कलर लगाया है कॉफ़ी कलर और ये पिंक कलर लगा रही हूँ, आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हो, एक कलर में भी बना सकते हो और आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मैंने ये कलर लगाया है उसी तरह से मैं इसे दो तीन कलर से बनाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने, अब हमें यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये दो चैन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया ली है, फिर तीन चैन लेके एक डबल क्रोशिया बनाई है ये। अब आगे मैं इसे इस तरह से बनाऊंगी,
दो चैन लेके, एक दो, ये जो हमने पत्ती बनाई है इसके बीच में ये जो खाली जगह है यहाँ पर, यहाँ पे इसे एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। फिर दो चैन लेंगे, यहाँ पे बनाऊंगी एक डबल क्रोशिया, एक दो चैन लेके, अब ये जो बीच वाली पत्ती बनानी है हमें इस तरह से फ्रंट साइड से, इसे लेके एक बार ही निकालेंगे इसको। फिर दूसरी वाली डबल क्रोशिया को बनाएंगे, इसको भी एक बार निकालेंगे, एक फंदा इसमें रखेंगे। फिर तीसरा वाला भी इसी तरह से एक बार निकाल के, फिर सारे चारों एक साथ इस तरह से निकालने हैं, ठीक है। एक बार निकालेंगे, फिर दूसरे को भी एक बार निकालेंगे इस तरह से, तीसरे को भी एक बार निकाल के, इस तरह से एक बार निकाल के, फिर चारों एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। दो चैन लेंगे, एक दो, ये दोनों मैंने इसके दो राउंड बनाए हैं इस कलर की ऊन से, इससे इसके भी मैं दो राउंड बनाऊंगी। यहाँ नहीं हमें बनाना है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन लेंगे, इसमें बनाएंगे, फिर दो चैन लेंगे, यहाँ पे हमें ये डिज़ाइन बनाने के लिए वी बनाना है यहाँ पे, इसमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया लेके तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेके इसी में वापस एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। ये वी बन गया, एक यहाँ हो जाएगी डिज़ाइन, एक यहाँ हो जाएगी और एक यहाँ पे, तीन डिज़ाइन बन जाएंगी। पहले हमने ये एक डिज़ाइन बनाई थी, फिर दो हो गई, इस बार अब हमारी तीन डिज़ाइन हो जाएंगी, एक दो और ये तीन। इसी तरह से इधर भी तीन डिज़ाइन हो जाएंगी, एक दो और ये तीन। इसी तरह से ये बढ़ते जाएंगे, तो ये पूरा होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरह से बनाते जाएं आप, एक दो चैन लेके यहाँ पे जॉइंट करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस पर यहाँ, फिर दो चैन लेंगे, एक दो यहाँ बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन लेके हमें ये पत्ती बनानी है, ये वाली देखिए, जैसे मैंने ये बनाई है इधर बीच में ये वाली, उसी तरह से हमें ये बनानी है। एक बार निकालेंगे, दूसरी डबल क्रोशिया में भी एक बार निकालेंगे, तीसरी में भी एक बार निकालेंगे, इस तरह से चार हो गए, चारों को फिर हमें एक साथ निकालना है। फिर दो चैन इस तरह से, यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, दो चैन लेंगे, दो चैन लेके यहाँ पे हमें डिज़ाइन के लिए वी बनाना है, तीन चैन लेंगे, तीन, इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से इधर भी बनेगा, पूरा इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, इसी तरह से हमें आगे बनाना है। तो ये जब पूरा हो जाएगा तो मैं फिर आपको बताऊंगी।